हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम दोस्तों 20x36 फीट के प्लॉट के लिए घर का नक्शा डिस्कस करेंगे। 3D नक्शा है दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पर। इसमें दो बेडरूम्स हैं, साथ में एक लिविंग रूम, एक ओपन किचन, एक टॉयलेट भी है। जबकि फर्स्ट फ्लोर पर भी दोस्तों इसमें रेंट पर्पज़ के लिए आप एक सेपरेट पोर्शन बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह प्लान नक्शा है। आई होप आप सबको पसंद आएगा और इसे दोस्तों आप अपने किसी भी छोटे प्लॉट के लिए नक्शे के लिए भी बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ ले सकेंगे। तो दोस्तों टाइम को बिना वेस्ट किए इस नक्शे की सारी डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों प्लॉट का जो साइज़ है वो 20x36 फीट है, यानी कि 20 फीट इसकी चौड़ाई है इस डायरेक्शन में और 36 फीट दोस्तों इस प्लॉट की लंबाई है। इस साइड पर फ्रंट है दोस्तों, बाकी तीनों साइड्स पर किसी और की प्रॉपर्टीज हैं। तो उस तरफ हम कोई भी वेंटिलेशन वगैरह नहीं ले सकते। तो दोस्तों 20 फीट फ्रंट ईस्ट वाली साइड पर आपको यहाँ पर इसमें एक मेन एंट्रेंस गेट मिलेगा तकरीबन 8 फीट का, जिससे घर के अंदर जाएंगे। दोस्तों गेट से अंदर आते ही आपको यहाँ पर एक पोर्च मिलेगा जहाँ पर आप अपनी बाइक्स वगैरह पार्क कर सकते हैं, अपनी छोटी कार भी इजीली आपकी यहाँ पर पार्क हो सकती है। प्लस दोस्तों यहीं पर आपकी सीढ़ी भी बनेगी फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर भी इसमें हम एक 3 बेडरूम का सेपरेट पोर्शन बना सकते हैं। तो उस तक जाने के लिए आपकी यहाँ से स्टेयर्स यूज होंगे। दोस्तों इस पूरे पोर्च प्लस स्टेयर्स एरिया की चौड़ाई तकरीबन 9 फीट है, जबकि 14 फीट इसकी लंबाई है। दोस्तों गेट से हम लेफ्ट साइड पर आएंगे तो आपको यहाँ पर इस गैलरी में आपको एक डोर मिलेगा घर के अंदर जाने के लिए, 3 फीट का डोर होगा जिससे घर के अंदर जाएंगे। तो दोस्तों इस डोर से अंदर आते ही आपको बिल्कुल सामने यहाँ पर एक लिविंग एरिया मिलेगा जहाँ पर आप अपने सोफे वगैरह सेट कर सकते हैं, सामने TV लगा सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप अपने घर वालों के साथ बैठकर यहाँ पर TV देख सकते हैं। प्लस अपने गेस्ट वगैरह को बिठाना चाहें तो आप यहाँ पर उनको बिठा सकते हैं। दोस्तों इस पूरे लिविंग रूम की चौड़ाई तकरीबन 10 फीट है, जबकि 14 फीट के करीब इसकी लंबाई है। दोस्तों लिविंग रूम में आपको बिल्कुल यहाँ पर एक टॉयलेट भी मिलेगा, कॉमन टॉयलेट / बाथरूम मिलेगा यहाँ पर, जिसको पूरे घर से यूज़ किया जा सकता है। 6.5 फीट इसकी चौड़ाई है, जबकि 4 फीट लंबाई है। वेंटिलेशन के लिए आपको स्ट्रीट की तरफ यहाँ पर इसमें रोशनदान भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था कॉमन टॉयलेट। लिविंग एरिया में वापस आएंगे तो आपको एक विंडो दोस्तों आपको यहाँ पर पोर्च की तरफ भी मिल जाएगी, ताकि इसके थ्रू भी ताज़ा हवा और रोशनी इस तरफ आती रहे। तो दोस्तों आगे चलते हैं, मेन डोर से थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। तकरीबन 4 फीट इसकी चौड़ाई है, जबकि 10 फीट लंबाई है। तो अच्छा खासा बड़ा किचन है, आपके वॉश बेसिन, चूल्हे वगैरह, अलमारियाँ इसमें आपके सब इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। और वेंटिलेशन के लिए दोस्तों पोर्च की तरफ आप यहाँ पर रोशनदान भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था किचन। वापस किचन से बाहर आएंगे तो आपको बिल्कुल किचन के साथ ही यहाँ पर सेंटर में बिल्कुल ये जो सामने डोर नजर आ रहा है ये वाला, ये दोस्तों हमारा फर्स्ट बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पर। चौड़ाई तकरीबन 210 फीट है, जबकि 10 फीट ही इसकी लंबाई है। तो अच्छा खासा बेडरूम है एक छोटे प्लॉट में, आपके बेड्स वगैरह सब इसमें एडजस्ट हो सकते हैं। और वेंटिलेशन के लिए दोस्तों यहाँ पर एक पोर्टियस है 3x3 फीट का, तो उसी की तरफ से आप यहाँ पर एक विंडो लगा सकते हैं ताकि रूम में नेचुरल लाइट और एयर आती है। तो दोस्तों इससे बाहर जाएंगे रूम से तो आपको इसके बिल्कुल साथ ही डोर मिलेगा यहाँ पर सेकेंड बेडरूम का, और इसके भी डायमेंशन तकरीबन सेम है दोस्तों। 10 फीट इसकी चौड़ाई है, जबकि 11 फीट इसकी लंबाई है। तो अच्छा खासा ये भी बड़ा बेडरूम है, आपके बेड्स, आपकी ड्रेसिंग टेबल्स वगैरह इसमें ईजीली एडजस्ट हो सकते हैं। एक विंडो भी दोस्तों यहाँ पर लगेगी इसमें OTS की तरफ, ताकि इसमें भी वेंटिलेशन अच्छे से हो सके। बिल्कुल इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर इस रूम में एक अटैच टॉयलेट भी बनेगा, और इस टॉयलेट की भी दोस्तों चौड़ाई तकरीबन 6.5 फीट है, जबकि 3 फीट इसकी लंबाई है। तो दोस्तों ये था 20x36 फीट के प्लॉट के लिए ग्राउंड फ्लोर का नक्शा। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।